चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना के खिलाफ जंग में झोंक दिया। चीन की एक गलती ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, लेकिन चीन अब भी अपनी गलतियों को मानने को राजी नहीं। वो अब भी अपनी चालबाजियों को अंजाम देने की फिराक में है। ताजा मामला भारत चीन सीमा का है, जहां चीन ने अतिक्रमण करने की कोशिश की, भारतीय सेना के जवानों के साथ हाथापाई भी की, जिसका भारतीय सेना ने भी कड़ा जवाब दिया। लेकिन अब सिर्फ भारत चीन तक ही सीमित नहीं रहा, इस लड़ाई में अमेरिका भी कूद पड़ा है। भारतीय क्षेत्र में चीन की सेना के अतिक्रमण की कोशिशों के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ आ गया है। व्हाइट हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों में उकसावे भरी सैन्य गतिविधियां कर रहा है। व्हाइट हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीजिंग अपने सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है और येलो सी, ईस्ट और साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और भारत चीन सीमा में उकसाने वाली गतिविधियों कर पड़ोसी देशों के प्रति अपनी ही प्रतिबद्धताओं का मजाक बना रहा है। व्हाइट हाउस के इस बयान के पहले भी अमेरिकी राजनयिक ने भारतीय सीमा में चीन की हरकतों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दिया था। और वहीं अमेरिका की दक्षिण और पश्चिम एशिया के मामलों की प्रमुख एलिस वेल्स ने कहा था कि अगर आप साउथ चाइना सी को देखें तो चीन की एक ही रणनीति है, वो लगातार अतिक्रमण कर रहा है और यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की दक्षिण और पश्चिम एशिया के मामलों की प्रमुख एलिस वेल्स ने यह भी कहा था कि जिसे भी भ्रम है कि चीन के अतिक्रमण का खतरा असली नहीं है, उन्हें भारत से बात करनी चाहिए, जो नियमित तौर पर चीनी सेना की उकसाने वाली हरकतों का सामना करता है। खैर, चीन की उकसावे और विस्तारवादी नीतियों से सिर्फ उसके पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देश वाकिफ हैं और समय समय पर उसकी नीतियों का विरोध करते रहते हैं। ज्यादा ताकतवर बनने की चाह में चीन ऐसी हरकतें लगातार कर रहा है, हालांकि भारत ने समय समय पर उसे माकूल जवाब भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।